ये लगा है भाई, चलो बढ़ाओ। कौन सा मेला लगा है देखो, ये भाई बढ़िया लगा है। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं पूरी पेंटिंग में, बड़े मन से कर रहे हैं भाई। आलू फैल गए पूरे, पूरी क्रेट फैल गई गाइस यार। वाले भाई रास्ते वाले हटा लो भाई। मामू क्या कल क्या कह रहे हो, फैला रहे आलू। ए भाई लो कद्दू भी फैल गया यार, हद है। कद्दू कटेगा सब में बटेगा है भाई, उठवा के रखा दू। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत सीधे कर रहे हैं विवेक के रूम से, क्योंकि आज हमें जाना है जनरेश्वर मिस पार्क। धूप निकली है ना, तो एक फ्लैग लगा है जनरेश्वर मिस पार्क में, सबसे बड़ा फ्लैग लगा है लखनऊ का, है ना, पूरे लखनऊ का फ्लैग वहीं पे है। तो विवेक आ चुका है, विवेक को लेना था ट्राइपॉड वगैरह, तो इसके रूम पे आए थे। गाड़ी अपनी स्कूटी से जाएंगे सीधे दोनों लोग, देखो आ गया। चलो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से सीधे, अब मिलेंगे रास्ते में। तो मैं रास्ते में दिखाएंगे तगड़े तगड़े सीन, है ना, आज पूरा वो ले जा रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड है, पता नहीं क्या, हम तो गिम्बल बोलते, गिम्बल गिम्बल ही बोलते हैं इसको, ये ट्राइपॉड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। चल चलते निकलते हैं भाई। सच में ये बहुत बुद्धू इंसान है, पागल गवाह, दिमाग से किसका हुआ है। जब भाई हमने बोला जनेश्वर चले, जनेश्वर का प्लान कैंसिल, कह रहा प्लान जनेश्वर नहीं जाएंगे कहीं और जाएंगे, तो ये लगा है उत्तराखंड महोत्सव यहाँ लेके आ गया। जनेश्वर इस पार्क जाने की बजाय ये यहाँ लेके आ गया, देख रहे भाई। उत्तराखंड महोत्सव कौन सा लगा है भाई, उत्तराखंड महोत्सव ही लगा है ये, देखो श्री भगत सब के सारी। चलो भाई देखो ये लगा है, ये लगा है भाई, चलो बढ़ाओ। कौन सा मेला लगा है देखो, ये भाई बढ़िया लगा है। कई लोग का ब्लॉग डाल चुके थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ, घूम के आता हूँ आखिर ऐसा क्या है। हाँ कभी यार, यहाँ तो घड़ियाँ शीशा दिख रहे हैं यहाँ भाई, घड़ी और शीशे वगैरह लगे तगड़े तगड़े भाई। तो गाड़ी इधर खड़ी करो ना, इधर ना, उधर 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 खड़ी करो रोड पर। तो भाई जो लगा हुआ है ये पढ़ लो यार, मैं ये कह गया उत्तरनाडी कौथिक मेला 2023 हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। तो मेले में भाई जैसे ही आएंगे तो एंट्री करेंगे, यूनिवर्सिटी के पास लगा है गोमती नदी के किनारे, तो आपको मैं पहले बता देता हूँ इसकी डिटेल, लोकेशन यही है। और यहाँ पे सामने भी भाई सामने डांस भी चल रहा है स्टेज पे, और यहाँ पर फास्ट फूड वगैरह अभी रेगुलर यहाँ पे कोई ना कोई मेला लगा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे दूसरा मेला लगा था, अब दूसरा लग गया, अभी उत्तराखंड महोत्सव लगा था, तो मुझे लगा वो सामने सेम हो सकता है वही लगा हो। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या नहीं मिल रहा है। अब मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा मेला दिख रहा होगा आपको एक बार में व्यू, क्योंकि मस्त लगा हुआ है। तो यहाँ पे अमीनाबाद जैसी सेल, आजकल ये सेल हर जगह चल रही है, मैं तो इस चीज़ को देख के बड़ा मजा आता है मुझे, 100 रुपये में 200 रुपये में, पापा की परिवहन जो ये हर जगह आजकल इतना फेमस हो गया ना, इंस्टाग्राम पर रील इतनी वायरल हुई ना मेरी और ये विवेक भाई की, बहुत ज़्यादा रील वायरल हुई थी। तो तब से ना जब यहाँ भी ये जाके सुनता हूँ ना, तो एक अंदर से अलग खुशी लगती, लगता हाँ भाई ये हमने मनवाया है ऐसा कुछ कह के। तो बड़ा तगड़ा, चलो देखो लड़कियाँ पापा की परियाँ शॉपिंग कर रही हैं गाइस, यहाँ देखो सारी और बढ़िया, पूरा बैक कैमरे से दिखाता हूँ एक एक चीज़। यहाँ पे ये लगी हैं सामने अल्मोड़ा की साड़ियाँ, और ये 100 रुपये में मेडिटो, स्टॉल संख्या थे स्टॉल संख्या भी लगी हैं, 116 दुकानें कम से कम लगी हैं, मतलब ऐसा है। तो उत्तरायणी कौथिक मेला स्लीपर वगैरह ये सब देखो तगड़ा। चलो चलते हैं वहाँ पहले डांस देख के आते हैं, उधर भाई कह रहा है पहले वो दिखाओ डांस देखना है मुझे, मुझे पता था तुम डांस देखने आए हो यहाँ पे। और ये लगी है 250 रुपये की सेल, ये देखो बढ़िया, 100 रुपये के गुदगुदे कपड़े लड़कियाँ जिसको पहन के टेडी बियर बनती हैं पापा की परियाँ। और यहाँ पे सामने चल रहा है पूरा अपना डांस सांस्कृतिक नाच निरत, और बढ़िया तगड़ी चीजें हैं जो भी चल रही है ना, चलो देखते हैं। बहुत भाई भाषा नहीं समझ रहा है तो से जो 5-50 सपना घर में सबने जय जयकारी है जो धर में कपाल में डाई वो कपाल जी भी खून फाइनली। तो भाई जब हम जनेश्वर मिस्र पार्क की तरफ जा रहे थे तो देखो कितना तगड़ा पेंटिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए मस्त, ये रोड के किनारे जो जनेश्वर से अम्बेडकर के पार्क जो पीछे से रास्ता गया ना, बस वही ये फूलों वाला काम चल रहा है, बहुत सुंदर। तो देख के एक बार मन कर गया कि रुकने का, ये देखो मस्त है ना पूरा, कितना तो मस्त फूल बनाया गया पूरे इस यहाँ से लेके वो सामने से लेके वो उधर सामलास्ट तक बनाए जाएंगे। तो ये वाली रील, यहाँ की रील अब जल्दी आपको यहाँ की रील भी मिलेंगी देखने को। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं पूरी पेंटिंग में, बड़े मन से कर रहे हैं। तुम सोचोगे ना भाई क्या कितना तुम बेवकूफ़ हो, हाँ भाई बेवकूफ़ है ये, मैं नहीं, ये भाई
मैंने पहले ही बोला चलो जनरेश्वर, तब नहीं आया, फिर बाद में कहता चलो जनरेश्वर से चलते हैं। तो भाई जनरेश्वर पार्क में आ चुके हैं और यार सन्नाटा कितना देख रहे हैं, पूछा कोई दिख ही नहीं रहा है, बस मुझे यही दिख रहा है मैं और ये आए हुए हैं और एक आध कपल भी आया है गाइस। कपल दूर है कोई बात नहीं, होते हैं कभी कभी होता है, पर हम लोग आए हैं सिर्फ फ्लैग को देखने, काफ़ी टाइम हो गया। और ऊपर जा रहा है प्लेन, दिख रहा है भाई तुम लोग को प्लेन, वो सब देखो अब दिखेगा शायद, ये रहा हेलीकॉप्टर गाइस, हेलीकॉप्टर देख लो। और ये देखो बन, ये और ये देखो गिम्बल, ब्लॉगर्स ऐसे ही घूमते रहते हैं। विवेक तुम कभी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मेरी भी नहीं है भाई यार, बनवा दो कोई है, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ क्या, बनवा दोगे तुम लोग? चलो भाई चलते हैं फ्लैग की तरफ, और नहीं तो ऐसे कहोगे कितना बकवास करते रहते हो तुम लोग। जय कह रहा है ऐसे चलो झाड़ियों से होते हुए चलो, शायद कोई दिख जाए, पागल भी मारेगा भी पकड़ के अगर ऐसे जाओगे। अब मुझे समझ आया जनरल सर्विस में ये फ्लैग देख रहे नहीं कुछ और ही देख रहे आया। गाइस तो आप बताओ अगर आप आए हो तो क्या फ्लैग देखने आते हो, क्या देखने आते हो? सच सही बताना भाई, एकदम इससे पहले किस लड़की के साथ आए थे? अरे भाई अगर हम आए ही नहीं तो लड़की तो बहुत दूर की बात है भाई यार, बहुत सीधा इंसान है मैं, ये नहीं है मैं हूँ सीधा, ये इसी ने तो मुझे बिगाड़ रखा है। हम दोनों लोग घूम घूम के थक गए भाई, झाड़ियाँ देखो तो मैं, ये देखो झाड़ियाँ, वादियाँ देखो गाइस वादियाँ, ये गुज जाओ इसमें, वाओ कितने का लगवाए थे एक पेड़? 50 लाख का भाई। हम झाड़ियों में घूम रहे हैं और इधर देखो कपल भी दिख गए, कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी। अभी पर फ्लैग क्यों नहीं दिख रहा हम लोग को? देखो भाई जनरेश्वर मिश्र पार्क में, पर रील बहुत तगड़ी बनेगी, अभी रील बनाता हूँ एक लोग को। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं जनरेश्वर मिश्र बाहर, क्योंकि यार हवा ही नहीं चल रही और झंडा फैन नहीं रहा, और झंडा जब फैन नहीं रहा है तो हमारी रील बनेगी नहीं, और रील नहीं बनेगी तो हमारा आना बेकार हो गया। पर ठीक है झंडे को सल्यूट करके आए हैं तो मज़ा आया बहुत, शाम का वक्त हो गया और यहाँ पे भी प्री वेडिंग शूट नहीं चल रही है, देखो वो शायद तो मैंने दिखेगी पर चल रही है प्री वेडिंग शूट चल रही है। और यहाँ पे देखो पेड़ ही, देखो पेड़ कैसे लग रहे हैं, मूछे वाले पेड़ हैं ये। मूछे वाले पेड़ वो भी भाई देख रहे हो, ऐसे पकड़ के चलो मूछे वाले पेड़। और यहाँ पे रील बननी है गाइस, देखो देखो है ये, देखो देखो मैं रील कैसे बननी है, सो देखो वॉकिंग रील बननी है, वॉकिंग रील, टिक 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 देख लो। तो भाई शाम को घूम घाम के ना हम आ गए थे, हमारे साथ मिलिए वकील भाई से। वकील भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई। गौरव भाई ये अपना वकील है, अपने केस सारे हैंडल यही करता है। और वो देखो दो इन्फ्लुएंसर वो खड़े हैं सामने, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर दो खड़े हैं, एक तो ज़्यादा ही छोटा है। और भाई क्या हाल चाल? नमस्कार भाई। नमस्कार। देखो ये लड़की कैसे छुप रही है, ठंडी बहुत है यार, जाड़ो लग जाएगा। और भाई गंदी गंदी बात, बेशरम लड़का हो गया ये, बेशरम हो गया, गंदा बच्चा हो गया। अब हम जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं भाई चाय पिए थे यहीं बैठ के, सारा के पीछे देखो सारा वाला देखो टॉपर वो भाई बहुत तो बढ़िया था। तो फिर ये लोग जा रहे हैं, अब हम लोग भी जाएंगे। तो भाई चलो बाय, अब हम लोग खाना खाएंगे हम और ये विवेक, बाकी तो ये जन्म जा रहे हैं ठीक है, जान लो खा पी के आ चुके रूम पे यार, और सोऊंगा अब क्योंकि सो के चाय इतनी ज़्यादा पी ली थी ना, खाने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए हम सीधे बारी आ गए, विवेक खा पी के चला गया और अब हम सीधे सोएंगे। बाय बाय, टेक केयर गुड नाइट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइज़।